आप नोट चीट लिख के मैनू दे दें ताकि पतो चल सके कि केड़ो केड़ो आदमी बोलना चाहे। तम सब आदमी बोलना है, तम इसे वास्ते बुलाए। और अच्छा काश साहब तो बड़ी अच्छी बात कही है, सैयद साहब से मेरी वाकियत नहीं है तो बेहतर है कि सैयद साहब से बेहतर हमें कौन है। तो तलावत कलाम पाक जनाब सैयद कुरान हुसैन शाह साहब। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة गिरने के बाद या सरकार के दौरान जो हालात पैदा हुए थे उनके बारे में मैंने उनको बुलाया था। कुछ जो मैंने यहाँ काम किए थे उनके बारे में भी, तो मेन मकसद यही था कि रियासत के इस वक्त के मौजूदा हालात जो हैं वो एक तो सबसे पहले हमारा हालात जो हिंदुस्तान के साथ दफा 370 था उसको इरोजन करने के लिए 35A को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिसकी इस महीने की 6 तारीख को हमारी जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है जिसमें हमें पूरी यकीन है कि वो जज फैसला करेगी, उसमें मौजूदा सरकार जो हिंदुस्तान के अंदर है उसने इसको विरोजन करने के लिए जो इस वक्त कार्रवाई शुरू की है उसके मतलब मैंने अपने लोगों को उजागर करने के लिए, और हमने कमर बस्ता होना है कि दफ़ा 370 जिसकी वजह से हमारा रियासत का हालात हिंदुस्तान के साथ है उसको हम किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देंगे। और उसके लिए मैं सबसे अपील करता हूँ और ख़ासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट जो हमारा पुंछ रजौरी का है, पीर पंजाल का इलाका है, कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ आ जाता है वक्त तो हमें कमर बस्ता होना चाहिए, बगैर मजहब मिल्लत बगैर किसी बात के हमें उसका यह है कि मुकाबला करना है। और इसीलिए मैंने ये मीटिंग रखी थी। दूसरे कुछ ये डेवलपमेंट के हिसाब से कि जो हमें 2.5-3 साल तो नहीं कह सकता, मैं 2.5 साल के अरसे में जो यहाँ काम किए या जो भी ये थी डेवलपमेंट उसके बारे में लोगों से भी सुनना था और अपनी कारकर्दगी भी थी जो यहाँ सामने है। दूसरे यहाँ और भी बड़े सोशल चल रहे हैं कि सरकार बन रही है या नहीं बन रही है उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं एक बात आपके वसादत से सबको ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन की तैयारी कर लें। पंचायतों के इलेक्शन हैं, उससे पहले म्यूनसिपल्टियों के इलेक्शन होंगे, जहाँ जहाँ म्यूनसिपल्टी है उसके इलेक्शन होंगे और उसके बाद पंचायतों के इलेक्शन होंगे। और हम हिंदुस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं और यही मुल्क हमारी इंशाल्लाह शान है। मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन की तैयारी कर लें, यही मेरा मकसद था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी एक बात मैं आपके साथ अच्छे लोगों को ये भी कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसी भाईचारे की अशद ज़रूरत है, फिरका परस्ती से बाहर आइए,
یہاں الیکشن کے دوران میں ہم لوگ میرے جیسے لیڈر زیادہ آگے آ جاتے ہیں, یہ گجر ہیں, یہ پہاڑی ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ ان چیزوں سے باہر آئیے, آپس میں رشتے کیجیے. ازدواجی زندگی جو ہے, جب تک ہم آپس میں وہ رشتے نہیں نبھائیں گے اس فرقہ پرستی سے ہم باہر نہیں آتے. اور میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, خدا را خدا را, یہ عزت ذلت اللہ نے دینی ہے. یہ چھوٹی چیزیں کہہ کے نہیں جی, یہ ووٹ ان کو کوئی برادری دیتی ہے, میں گجر مجھے فخر ہے, کوئی پہاڑی ہے اس کو اپنی جگہ فخر ہونا چاہیے, لیکن مجھے فخر یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ گو ہوں, اور مسلمان فرقہ پرست ہو نہیں سکتا. تو میں اپیل کرتا ہوں آپ لیڈروں سے, خاص کر جس جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس چیز سے باہر آئیے, ڈیولپمنٹ کی بات کیجیے تو تنقید کیجیے, وہی اچھی بات ہے. یہی میری اپیل ہے. شکریہ.